तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है तुम्हारा वर्ल्ड हेल्पर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज तुम्हारा भाई बनाने जा रहा है लैम्प नहीं बोले तो एक लैम्प तरीके लैम्प टाइप का ही कुछ बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आप देख सकते हो कि लाइटिंग बहुत कम होती है, तो क्वालिटी भी मुझे ख़राब सी लगती है, मेरी वीडियो की फटी हुई सी आती है। तो उसी के लिए मैं ये लैम्प बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए चाहिए हमें ये पंखे का, जो पंखे के बीच में जो लगता है एक USH जो भी है यार, ये आपको तो पता चल ही गया होगा क्या होता है। ये हमने पंखा मंगाया था, उसके अंदर ये यूज़ नहीं हुआ, तो मैं इसमें यूज़ में लगा रहा हूँ, काम में आएगा मेरे। और ये हमारा LED बल्ब है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो ये भी यूज़ में आएगा हमारे लैम्प बनाने के लिए। और ये LED बल्ब के अंदर हम लगाएंगे ताकि आराम से फिट बैठ जाए इजीली और कोई दिक्कत ना आए हम जब ये अपना LED लगाएंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट है, इसके अंदर कोई भी रजिस्टेंस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट है, ठीक है गाइस। इसकी यही खासियत है कि ये डायरेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर छेद करना है गाइस, ठीक है। पहले इसके अंदर छेद करना है, हमें छेद करने से पहले हम इसको काट देते हैं, ठीक है गाइस। इसको काटने में गाइस थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ठीक है, काटते हैं पहले से। तो गाइस ये देख सकते हो, ये हमने निकाल दिया है, ये बहुत इजीली निकल गया प्लास से। मैं सोच रहा कटिंग करनी पड़ेगी, वैसे कटिंग करने का मेरे पास कोई औजार नहीं था यार, तो मैं वो कल लेके आने की सोच रहा, लेकिन ये तो ऐसे ही कट गया, मतलब ऐसे निकल गया यार प्लास लगा के, तो बहुत इजीली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर छेद करना है। आपको मैंने बताया था छेद करना, तो छेद करते हैं गाइस पहले हम। तो गाइस छेद करते हैं हम, तो गाइस इसके अंदर छेद किस लिए नहीं हो रहा मैं आपको बतलाता हूँ। इसके अंदर मेटल लगा हुआ है यार, ठीक है, वो पहले मेटल भी निकालना पड़ेगा हमें, तो पहले हम मेटल निकालते हैं लोहा। गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मेटल है ना ये नहीं निकलेगा, चिपका रखा यार बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो हम दूसरे कलाकारी दिखलाते हैं, यहाँ पर हमको थोड़ा ऊपर छेद करना पड़ेगा, तो हम ऊपर कर देते हैं, वहाँ नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऊपर कर देंगे। ऊपर देख सकते हो आप कितने आराम से हो गया छेद। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है छेद हो चुका है, ठीक है। अब एक छेद हमें इसके अंदर करना है, वो हम थोड़ा इधर कर देंगे, तो गाइस यहाँ पे भी इसके अंदर भी छेद हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए ग्लू गन, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर से वायर निकालेंगे, तो गाइस इसका छेद जो है अभी भी छोटा है, पहले हम बड़ा कर देते हैं यार। और तो अभी जो छेद है वो बड़ा हो चुका है, अब आराम से निकल जाएगी वायर भी। पहले उसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि जो वायर है इसके अंदर चिपके ना। चलो यार, तो देख सकते हो गाइस ये जो हमारी वायर निकल चुकी है, ठीक है। वायर को हम इसके अंदर से भी निकालते हैं,
इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, आप देख लो अब हमें क्या करना है। अब हमें पहले इसके अंदर जो है ग्लू लगानी है, ठीक है। तो इसके सर्कल अराउंड हम ग्लू निकालेंगे, हमारी ग्लू निकल चुकी है। इसको हम चिपका देंगे, हमने इधर लगा तो दिया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली ये हमारा जो है फिट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ये करना है कि टाके लगाने रह रहे हैं हमारे। सबसे पहले तो हम कटर लेंगे, हमारा कटर का यार कटर ये रहा, इसकी वायर पहले तो इसको यार ओपन कर लेते हैं ओपनर, ठीक है। इस मेटल को पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ काम होगा। या इससे नहीं काम चलेगा हमारा, हमें चाहिए टूल, पूरा स्क्रू ड्राइवर का टूल चाहिए। अब इसमें से हम लेंगे यारा, अरे यार ये लेंगे, इसको इधर डालेंगे, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, इसको साइड कर दें, और तो इसको भी निकालना पड़ेगा यार, थोड़ी दिक्कत आ रही है, चिपका रखा है इसको, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा वीडियो रोकनी पड़ेगी हमको। तो गाइस हमने वाली प्लेट निकाल दी है, अब हम याली प्लेट लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर डाल के क्या दिक्कत है, ड्राइवर से इसको कस देंगे, ठीक है गाइस। ये हो गया, दूसरा वाला कहाँ है स्क्रू, इसको भी लगा देते हैं। तो गाइस अभी ये भी लग चुका है, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें इसको इधर से निकालते हैं, ठीक है। अब इसे निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी भी कर देते हैं। तो दोनों की कटिंग कर दी हमने, अब हमारा काम जो है बस टाके लगाने का है। थोड़ा ऊपर की तरफ लेते हैं, और टाके भी बहुत इजीली लग जाएंगे। सबसे पहले तो हम मशीन देख लेते हैं यार अपने यार। तो गाइस हमने टाके भी लगा दिए हैं, ठीक है। अब हमें इसको फिट करना है बस। बस यही तो चल रहा है।
तो गाइस फाइनली जो है हमारा जो सेटअप हो चुका है, ये देख सकते हो मैंने यहाँ लगा दिया अपना लैंप। ठीक है, अब हम इसको जला कर देखते हैं कि किस तरह से क्या कैसा लगता है। तो गाइस वीडियो जो कट हुई है यार, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे मशीनों में दिक्कत आ गई थी तो मेरे दिमाग की हिल गई, क्या बताऊँ यार। मैं इतनी मेहनत करता हूँ इधर, ये मशीनें जो हैं आड़ी तेड़ी चल रही, मैंने क्या बताऊँ यार, मेरी गलती थी जो ऐसा हुआ। बाकी मैं दिखलाता हूँ आपको कि किस तरह से रोशनी कर रहा है मेरे बोर्ड इधर। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो अभी मैंने फ्लैश ऑन कर रखा मोबाइल का, मैं फ्लैश ऑफ करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी दिखे कि कितनी रोशनी दे रहा है। ठीक है, बाकी वैसे देख लो और फ्लैश ऑन ऑफ करके दिखलाऊंगा फिर आपको। ये देखो गाइस दे रहा ना ज़बरदस्त रोशनी, अभी मैं फ्लैश ऑफ करके दिखलाता हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी देख सकते हो ये फ्लैश ऑफ की वीडियो है, क्या ख़तरनाक रोशनी दे रहा है। देख सकते हो ये वायरिंग जा रही है इसकी, अभी मैं इसकी फ़िटिंग भी कर दूंगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।